नेहा कक्कड़ का ये लुक नेटिजंस को लगा भोजपुरी आइटम गर्ल का, तो कुछ फैंस ने नेहा कक्कड़ को वॉनबी कार्डी बी और निकी मिनाज कहा। क्या नेहा कक्कड़ का कांटा लगा एक्सपेरिमेंट हो गया पूरी तरह से फेल? क्या नेहा कक्कड़ को अपने सॉन्ग्स के लिए है नई स्टाइलिस्ट की जरूरत? नेहा कक्कड़ है सोशल मीडिया क्वीन। नेहा कक्कड़ के हर एक सॉन्ग को मिलता है अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स, लेकिन रिसेंटली रिलीज हुए उनके सॉन्ग और स्पेशली उनके लुक को लेकर हुई जबरदस्त ट्रोलिंग। दरअसल नेहा कक्कड़ ने अपने सॉन्ग में अपने लुक के साथ किया एक्सपेरिमेंट। जनरली अपने सॉन्ग्स में क्यूट और बबली नजर आने वाली नेहा कक्कड़ ने डिसाइड किया टू गो बोल्ड। अनएक्सपेक्टेड लाइंस, नेहा कक्कड़ के इस लुक को देखकर उनके हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह हुए क्लीन बोल्ड और उन्होंने लिखा, आर यू फॉर रियल? लेकिन नेटिजंस को नेहा कक्कड़ का ये अवतार हजम नहीं हुआ। एक यूजर ने लिखा, भोजपुरी आइटम गर्ल का और सस्ता वर्जन। एक और यूजर ने लिखा, When you try to be Cardi B and Nicki Minaj. एक यूजर ने नेहा कक्कड़ के इस सॉन्ग को लेकर लिखा, This is most disgusting song ever. एक और यूजर ने Cardi B और Nicki Minaj कनेक्शन ढूंढते हुए लिखा, Cardi B and Nicki Minaj's child. कुछ इसी तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं नेहा कक्कड़ के सॉन्ग और लुक्स को। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, नेहा कक्कड़ के सॉन्ग से नो टाइम हो जाते हैं चार्ट बस्टर्स। लेकिन इस बार यो यो हनी सिंह का साथ होने के बावजूद ये सॉन्ग बिल्कुल भी कमाल नहीं दिखा पाया। नेहा कक्कड़ को वैसे इस सॉन्ग से थी काफी उम्मीदें। उन्होंने इस सॉन्ग की रिलीज के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आई हैव सॉन्ग विद टोनी एंड यो यो हनी सिंह अर्लियर, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू गेट टूगेदर फॉर कांटा लगा। Singing for it with these two artists was a party itself, and now that it's out, we invite you all to come party with us. वैसे unexpected lines नेहा कक्कड़ के husband रोहनप्रीत सिंह ने जरूर उनकी तारीफ की for the song. लेकिन इस बार रोहनप्रीत सिंह से netizens ने बिल्कुल ही नहीं किया agree.